अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं साकिब सईद और इस वक्त हमारे साथ इस सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदर तैयब बलोट साहब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला यह है कि साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो फांसी का मामला है, रेफरेंस जो है अब वो उस समाअत के लिए लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर समाअत कब होगी, इसकी तफसीलात क्या हैं, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का इसमें किरदार क्या है, अब तक इस पर समाअत क्यों नहीं हो सकी, ये तमाम तर सवालात जो हैं तैयब बलोट साहब से हम पूछेंगे। तैयब साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से, बेहतरीन। आपने कोई रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस साहब से इस रेफरेंस के मामले पे? देखें, वाकई मैंने रिक्वेस्ट की थी। वो वजह ये थी कि मैं जब सदर बना प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, तो हमने फैसला किया कि हम जो हलफ है वो काजी फैजिसा साहब से लेंगे। उस वक्त वो नामजद चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने हमें आनर दी, वो आए, उन्होंने हमसे हलफ लिया। तो हलफ़ ले चुकने के बाद जब मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, तो तकरीर के अंदर जो है मैंने काजी साहब से ये रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की, बल्कि और उम्मीद भी ज़ाहिर की। मैंने कहा सर कि आइन की हुक्मरानी और कानून की पासदारी की हम बातें करते हैं, लेकिन ये उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक आइन के खालिक को जो है वो इंसाफ नहीं दिया जाएगा। और मैंने उनसे ये कहा कि हर 4 अप्रैल को जब भुट्टो को फांसी हुई थी, तो इसी इशारे दस्तूर के ऊपर जो है वो भुट्टो शहीद की फांसी के फंदे वाली तस्वीर अवेज़ा की जाती हैं, जो चीख चीख कर सुप्रीम कोर्ट से ये तकाजा करती हैं कि इंसाफ के पहरेदारों, इंसाफ देने वालों, मुझे इंसाफ कब दोगे? तो मैंने कहा कि अब हमें उम्मीद है कि जब आप चीफ जस्टिस बनेंगे तो आप उस भुट्टो शहीद को जो है वो ज़रूर इंसाफ फराम करेंगे। फिर उसके बाद कुछ यूँ होता है कि काजी फैजिसा साहब चीफ जस्टिस बन जाते हैं, वो अपना मनसब संभाल लेते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें बुलाया मीटिंग के लिए प्रेस एसोसिएशन को। तो मीटिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट के इनके सामने वो जो सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ियों पे हम ग्रुप फ़ोटो के लिए आए। तो ग्रुप फ़ोटो के वक्त जो है, ग्रुप फ़ोटो जब बन चुका तो साथ ही भुट्टो शहीद की तख्ती लगी हुई है। अच्छा। जिसमें ये लिखा हुआ है कि 23 मार्च 1976 को भुट्टो शहीद ने इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का जो है वो फाउंडेशन रखी थी। तो उस वक्त जो है वो कुछ हमारे दोस्तों ने कहा कि सर ये सुप्रीम कोर्ट की चमचमकाती बिल्डिंग जो है ये तो इस भुट्टो शहीद की मक्तलगाह साबित हुई है, और अब इसकी तख्ती लगी हुई है, तो आप इसको इंसाफ कब देने जा रहे हैं? तो चीफ जस्टिस काजी फैजिसा ने ये कहा कि मैं उजलत के कामों से निमट लूँ तो मैं ज़रूर जो है उसके मामले पर, यानी कि भुट्टो शहीद का रेफरेंस जो इतने साल से ज़ेर अल्तवा है, उसको समाअत के लिए मुकर्रर करूँगा। अब यानी कि नेक्स्ट वीक जो है वो चीफ जस्टिस साहब जो है इसको समाअत के लिए मुकर्रर करने जा रहे हैं, गालबन मंगल या बुध को इस पर लार्जर बेंच भी बन जाएगा, और तारीख भी जो है अब काज लिस्ट आज या कल आ जाएगी, तो उसमें हो जाएगा कि ये केस की समाअत कब होने जा रही है। ये तकरीबन 12 साल बाद जो है इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जा रहा है। इनिशियली तौर पर जो इसकी समाअत थी, वो पहली समाअत 2 जनवरी 2012 को हुई थी, और उसके बाद आखिरी समाअत जो है वो 20 नवंबर 2012 को हुई थी। 6 टोटल समाअतें हुई थी, उसके बाद ये मामला पेंडिंग ये ज़ेर अल्तवा चला गया। अब वो ज़ेर अल्तवा क्यों चला गया, उसमें भी एक रीज़न थी। बाबर वान उस वक्त वकील थे इसमें, लेकिन उनका लाइसेंस मनसूख हो गया था, तो उन्होंने कहा कि आप अपना वकील तब्दील कर लें। फिर उसके बाद इसको फिर कभी समाअत के लिए लगाया ही नहीं गया। मुतअद्दिद चीफ जस्टिस साहबान आते रहे, लेकिन ये मामला पेंडिंग पड़ा रहा। अब इसको भेजा क्यों गया था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सदर आसिफ अली जरदारी ने जो है वो फार्मूलेट करके 5 सवाल सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी, सदारती रेफरेंस इसको इसी वजह से इसको कहते हैं। और उन 5 सवालात में चंद चीज़ा सवालात ये हैं कि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको सजा मौत दी थी, बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी, क्या आइन के बुनियादी इंसानी हकूक के तहत दुरुस्त है, क्या भुट्टो शहीद के बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़ किया गया, अगर नहीं किया गया तो फिर उसके असरात और नतायज क्या होंगे। इस तरीके से एक और सवाल उसमें पूछा गया कि जो शरीयत है, यानी कुरान और सुन्नत की रोशनी में, क्या भुट्टो शहीद की जो सज़ा है
वो दुरुस्त है, अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर उसके नतायज क्या होंगे। इसी तरीके से एक सवाल ये पूछा गया कि अगर भुट्टो शहीद को का जो मतलब सज़ा मौत का फैसला है अगर वो फिर दुरुस्त है तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तमाम मातहत अदलिया को उस फैसले को बतौर जुडिशल नज़ीर या अदालती नज़ीर पेश करने का पाबंद बनाया है, अगर नहीं बनाया तो फिर उसके असरात और नतायज किए हैं। इसी तरीके से एक सवाल ये भी पूछा गया कि उस वक्त का जो मटेरियल और शवाद मौजूद थे उससे अखज करदा जो नतज थे क्या उसकी रोशनी में भुट्टो शहीद की सज़ाए मौत बनती थी या नहीं बनती थी। तो ये कुछ सवाल जो है पूछे गए थे और इन पर राय जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई है। अब ये समात जब शुरू होगी तो मतलब पता नहीं कब तक चलेगी, लेकिन ये कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उनको गलत सज़ा दी गई पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को और एक बहुत मकबूल रहनुमा थे वो पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में, तो इसके असरात और क्या आप तवक्को रखते हैं कि इस फैसले का इम्पैक्ट क्या होगा? देखें, इस फैसले का पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो अपने तौर पे होगा, ठीक है, कि वो एक अवामी लीडर थे, कैद अवाम उन्हें कहा जाता है, सदियों का बेटा कहा जाता है, तो उसका तो एक इम्पैक्ट अवाम पे तो होगा होगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन साइड पे क्या होगा? लेकिन उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है ना वो इसी सुप्रीम कोर्ट पे होगा। अच्छा, ठीक है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की चमचमकाती बिल्डिंग हमें नज़र आती है ना, इसके ऊपर भुट्टो शहीद का वो जो फैसला है वो एक कालक है, एक धब्बा है, क्योंकि उसको तारीख ने साबित किया कि भुट्टो शहीद का जो फैसला आया वो एक अदालती कत्ल है। अच्छा। तो अब वो कत्ल कहाँ हुआ, जैसे मकतल का ये सुप्रीम कोर्ट बनी, जिस सुप्रीम कोर्ट का वजूद भुट्टो शहीद ने जिसको रखा, जिस वजूद को वो किया, वही उसके कत्ल गाह बनी, वहीं पे ही उसने जो अपने खून का खराज दिया। तो अब इसका सुप्रीम कोर्ट के उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहेगी या मौजूदा जो काजी साहब हैं वो, यानी कि अब मैं आपको यूँ बताऊँ कि पूरी सुप्रीम कोर्ट अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के कटहरे में है और वो इस पे जो गलती हुई थी उन जजेस से वो गलती मानी जाएगी कि उन जजेस ने गलत फैसला किया, और गलती मान के माफ़ी भी मांगी जाएगी। ठीक है, जब आपने गलती की है तो उसकी माफ़ी होती है, माफ़ी मांग के तो एक तारीख दुरुस्त की जाएगी, तारीख का पहिया दुरुस्त सिमत में लेके आया जाएगा। और क्योंकि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अमेरिका के अंदर भी एक सदी बाद अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने आवाम से माफ़ी मांगी अपने गलत फैसले पे, लेकिन यहाँ पे अभी निस सदी हुई है, निस सदी यूँ हुई है कि अभी गोल्डन जुबली। अब देखे, लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं, मैं अपनी पोजीशन वाजे करना चाहता हूँ कि आपने ये बात चीफ जस्टिस को क्यों कही, क्या आपके कोई पोलिटिकल मोटिवेशन से? मेरा हरगिज़ पोलिटिकल मोटिवेशन नहीं था। आप खुद पार्लियामेंट की बीट करते हैं, आपको पता है ये 2023 का जो साल है ये गोल्डन जुबली साल मनाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर वो तैयारियां और इंतजामात, और खुद काजी साहब भी उस गोल्डन जुबली की तकरीबात में पार्लियामान में भी गए। तो जब आप आइन का गोल्डन जुबली मना रहे हो तो आइन के खालिक का भी तो ये तकाजा है कि आप उसी को, चलो पहले तो देर हो गई लेकिन इसी साल के अंदर अंदर उसको कहीं ना कहीं कोई इंसाफ मिल जाए तो ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी बेहतर होगा और आइन के खालिक के लिए भी बेहतर है, हमारी तारीख के लिए बेहतर है और हमारी आने वाले नस्लों के लिए भी बेहतर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं जो समझाऊँ उससे ये है कि वो जो लोग थे, जो जजेस थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा दी थी, उनको कसूरवार ठहराया जाएगा और इसी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से माफ़ी मांगी जाएगी। मुमकिन तौर पे हम मुमकिनात पे बात कर रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ज्यादती हुई थी, ऐसा हो सकता है? देखें, इस हवाले से खुद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का स्टैंड बहुत बड़ा बहुत वाज़े है। उन्होंने अपने एक लेटर के अंदर ये चीज़ मैंशन की है कि भुट्टो शहीद का जो फैसला था वो जजेस की कन पट्टियों पर बंदूक रख के लिया गया। अच्छा, लेकिन उन्होंने आगे भी बात की थी कि उन जजेस को चाहिए था कि आप तो इंसाफ, काम है आपका इंसाफ देना, तो अगर आप पे प्रेशर था, दबाव था, आप गलत फैसला करने के बजाय आप इस्तीफे दे के घर चले जाते, ठीक है ना। तो जजेस तो कसूरवार बनते बनते हैं, लेकिन उस वक्त की रजीम भी कसूरवार बनती है, ठीक है ना। अब साहब जरा हिस्ट्री दुरुस्त होनी है, उसमें से बहुत सारे मुतअद्दिद जज, शायद ही कोई इक्का दुक्का जज जो है वो ताहयात हो, मौजूद हो, बाकी तो शायद चले गए हैं, कब्रों में चले गए होंगे, ठीक है। तो
अब फिर कुछ कानून कुदरत में के आड़े भी, मतलब है उसके भी अपने वो होता है जो कानून कुदरत होता है, वो हमने ये भी सुना कि वो मौलवी मुश्ताक का सुनते हैं ना मेरे ख्याल में, जिसने भुट्टो शहीद को फांसी दी थी, कि उसकी उसकी जनाजे पे शहद की मक्खियों ने हमला भी कर दिया था। ये वो तारीखी हकायक है जो हम जानते हैं कि हम अगर बदला नहीं ले सके या खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सके तो कानून कुदरत तो कार फरमा है ना। कुदरत ने आवाम को दिखाया, देखे जिस शख्स को बेगुनाह फांसी देने वाला जज है उसका हशर भी सब ने अपनी नज़रों से देखा। अब ये है कि सिर्फ इन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है ना वो दुरुस्त करने हैं और तारीख दुरुस्त करनी है। आपने तारीख दुरुस्त करने की बात की, तो चूंकि जजेस का जिक्र होगा तो ज़ियाउल हक जो थे उस टाइम आमिर थे इस मुल्क में, वो अपनी मुतलकुल अनानी जो है वो उरूज पर थी, और तो क्या उसका भी नाम आएगा और उसकी उसका नाम क्यों नहीं आएगा? देखें मेन कल्प्रेट तो वही है, ठीक है, ये जजेस तो बहाना बने, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ये मेरे साथ एक वाकया हुआ। मैं रशिया में था तो वहाँ पे एक खातून, बुज़ुर्ग खातून थी जिन्हें रशियन ज़बान में बाबुशका कहते हैं, यानी कि ग्रैनी, दादी माँ। तो दादी माँ ने मुझे कहा, पहले जब देखा ना कि ये मुसलमान है, वो भी मुसलमान थी, ततार थी, उसने मुझे गले लगाया, चूमा, ठीक है। फिर उसको पता चला ये पाकिस्तान से है, तो उसने मुझे एकदम धक्का दे दिया। मैं वर्तमान हैरत में आया कि ये क्या हो गया, एकदम मुझे प्यार दे रही है और एकदम मुझसे नफरत भी कर रही है। तो मैंने उससे पूछा कि अम्मा ये क्यों, ये मुझे समझ नहीं आई। तो उसने कहा कि यू आर अ किलर। मैं परेशान हो गया कि मैंने किसको किल कर दिया। उसने कहा कि आप पाकिस्तान से हो, आप कातिल हो। तो मैंने कहा हम किसके कातिल हैं? उन्होंने कहा आपने भुट्टो को कातिल किया है, आपने उसकी बेटी को कत्ल किया है। अब ये वो अल्फाज थे जो मुझसे, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं फिर उसको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि नहीं अम्मा हमने कत्ल नहीं किया, वो अमेरिका ने कत्ल किया है, ठीक है ना। तो उसने मुझे कहा कि आप ऐसे मुल्क में रहते क्यों हो कि जो आपकी हुकूमतों को, आपकी अदालतों को इस्तेमाल करके आपके ही लीडरों को कत्ल कर देता है। तो ये एक बड़ी अलमिये की बात है। तो देखें, आपने ज़ियाउल हक की बात की, तो बेसिकली जो ज़िया का वो एक आप कहते हैं कू था, इट वाज अ सीआईए स्पॉन्सर्ड कू, और भुट्टो शहीद के को जिस लॉबी ने मरवाया, देखें वो हेनरी कैसेंजर का परसों इंतकाल हुआ, उसी हेनरी कैसेंजर ने कहा था कि हम भुट्टो शहीद को कहा था कि हम आपको आने वाली नस्लों तक निशान इबरत बनाएंगे, और अभी तक भुट्टो शहीद की नस्ल निशान इबरत ही बनती आ रही है। तो बात यह है कि वजह क्या थी कि मैंने एक जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि ज़िया मतलब एक मेन कल्प्रिट था विद इन पाकिस्तान, लेकिन इसके पीछे इंटरनेशनल एक पूरा एक गेम प्लान था। और इसको अगर मैं समअप करूं, जो एक लॉबी है वो उसे आप कह सकते हो कि एंग्लो अमेरिकन ज्यूज, तो ये वो लॉबी थी जिसने ज़ियाउल हक के ज़रिए ये सब कुछ किया। और ये वही ज़ियाउल हक है, आज फ़लस्तीन की बात हो रही है, यही ज़ियाउल हक था जिसके 25,000 फ़लस्तीनियों के खून से हाथ रंगे हुए हैं। और वहाँ पे हम असल में पाकिस्तानी समझ नहीं आती कि हमें ना जो है ना जो हमारे रियल लीडर होते हैं ना उनको साइड पे करके मसनू लीडर हमारे बनाए जाते हैं, और ज़ियाउल हक को ऐसा लीडर फिर बना के मर्द मोमिन मर्द हक, अब ऐसा शख्स ज़ियाउल हक, अब ऐसा शख्स, अब उसका फिर देखिए कुदरत का इंजाम इंतकाम अपना होता है। कुदरत ने जो उससे इंतकाम लिया, तो आज देख ले कि भुट्टो के मज़ार के ऊपर कितने लोग होते हैं और ज़िया के साथ क्या कुछ हुआ, उसकी तो लाश तक भी नहीं मिली। यहाँ तक कहा जाता है कि वो भावलपुर में जाओ उसका त्यारा क्रैश हुआ था, किसी कुत्ते की हड्डी उठा कर यहाँ पे दफना दी गई। बलोच साहब, आखिरी सवाल, टाइम हमारा पूरा हो गया है, पूछना ये है कि चूंकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो पार्लियामेंट से उसने अपनी तमाम तर जो मकबूलियत है वो पाई, और उसी पार्लियामेंट के वो वज़ीर आज़म बने, पूरे मुल्क के थे लेकिन ज़ाहिर है कि वो उनका अपना एक इदारा जिसे आप कह सकते हैं, सियासतदान पार्लियामेंट में जाते हैं, तो पार्लियामेंट का किरदार से आप मुतमैन हैं इस पूरे केस में जो आप सुप्रीम कोर्ट टेकअप करने जा रही है? देखिए इसमें पार्लियामान का क्या किरदार हो सकता है, पार्लियामान खुद बेचारी स्ट्रगल में है, ठीक है। आए रोज़ हम देखते हैं, हमारी हिस्ट्री गवाह है कि पार्लियामान के जो सुपर मेसी है उसको अंडरमाइन किया जाता रहा, और कहाँ से किया जाता रहा, इसी सुप्रीम कोर्ट से भी होती रही। लेकिन अब मैं ये तो नहीं कह सकता, अभी मैं इस वजह से मुतमिन हूँ, अभी तो पार्लियामान में सिर्फ सेनेट रह गया है, कौमी असम्बली तो का वजूद नहीं है। लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता इसी बंदियाल इरा के अंदर जो फैसले आए उसमें तो पार्लियामान को अंडरमाइन किया गया था। लेकिन अब काजी साहब जो है ये चूँकि पार्लियामान की सुपरमेसी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो अभी तो ये करेंगे, लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है जो वक्त का चीफ जस्टिस होता है ना उसके अपने ऊपर कि वो किस नीयत का है, या जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट का
सरबरा होता है उसके ऊपर कि वो किस नियत का है। तो अगर वो पार्लीमान की सुपरमेसी पे बिलीव करने वाले हैं तो पार्लीमान ठीक चलती है, अगर वो पार्लीमान की सुपरमेसी पे बिलीव नहीं करते तो फिर पार्लीमान की सुपरमेसी जो है हमेशा ख़तरे में रहती है। लेकिन एक बात है कि काजी साहब अपने ओपन कोर्ट के अंदर कह चुकी है सदर ज़िया के मुतलक, सॉरी मैं सदर भी नहीं कहूँगा, ये काजी साहब ने भी कहा कि ज़िया को सदर ना कहा जाए, हाँ। वो सदर नहीं था। तो अब वो हिस्ट्री को करेक्ट करने लगे हैं तो उसका जहाँ पे जजेस मुरद इल्ज़ाम होंगे, हाँ। वहाँ पे वो वक्त का वो आमिर जो है वो सबसे ज़्यादा मुरद इल्ज़ाम भी होगा, क्योंकि काजी साहब भी कह चुके हैं कि मैं तो उसको सदर भी नहीं मानता, और ऐसा शख्स सदर हो ही, सदर क्या मुद्दत 5 साल के लिए, और एक ऐसा शख्स सदर हो ही नहीं सकता जो गन के ज़ोर के ऊपर, जो बंदूक के ज़ोर के ऊपर अपने आप को सदर बनवाए। थैंक यू सो मच तैयब बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने तमाम तर मुमकिनात पर बात की कि क्या हो सकता है इस पूरे रेफरेंस में। तो ये अच्छी बात है कि काजी फ़ाइज़ीसा साहब अब हिस्ट्री जो है वो करेक्ट करने जा रहे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि आइन की किताब को उठाकर उन्होंने कहा था कि मैं इस आइन के ताबे हूँ और इस आइन के तहत मैं चलूँगा। तो हम ये ख्वाहिश और उम्मीद रखते हैं कि काजी साहब इस तारीख़ को, पाकिस्तान की तारीख को करेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।